प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे ऐसे श्रावण मास में भगवान शिव को यह श्रावण का महीना अत्यधिक प्रिय क्यों क्यों होती है भगवान शिव की इस महीने में विशेष पूजा। मित्रों, इसके पीछे एक कथा है, उस कथा का भाव मैं आपको बताऊं। महाराज दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था और उस यज्ञ में सभी को बुलाया गया था, परंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया गया था। शिव का संबंध सती से था और सती जी ने अपने पति के द्वारा बार बार मना करने पर भी अपने पिता के यहाँ जाने के लिए तैयार होती हैं। भगवान शिव बार बार मना करते हैं कि देवी वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर अपमान होगा, परंतु पार्वती के स्वरूप को प्राप्त करने से पहले देवी का स्वरूप सती का था, सती जी गई हैं और दक्ष के यहाँ पर जाकर के अपने प्राणों का परित्याग किया, परंतु परित्याग करते हुए पार्वती का स्वरूप प्राप्त करने से पहले सती जी ने अपने मन में ये विचार किया था कि मैं जब भी जन्म लूँ तो मेरा विवाह एक व्यक्ति से ही हो, वो है भगवान शिव। जन्म कोटि तक रगर हमारी, बरहूं शंभु नत रहूं कुमारी, जन्म जन्मांतर तक यदि मेरा संबंध हो तो भगवान शिव से हो। यही कहकर देवी सती ने योगाग्नि के माध्यम से अपने प्राणों को शांत कर दिया था। उधर भगवान शिव घोर तप करने के लिए चले गए थे, देवी ने जाकर के पुनः पार्वती के रूप में महाराज मैना और हिमांचल के यहाँ पर जन्म लिया। जंगल में जाकर के तप करने के लिए गई हैं। सनत कुमारों ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, आपको ये श्रावण का महीना इतना प्रिय क्यों। तब भगवान शिव ने कहा कि देवी पार्वती ने मुझको प्राप्त करने के लिए तप किया था, मुझको प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर जंगल में जाकर के तप किया था और मैं उनके तप से प्रसन्न हो गया था, इस कारण से यह श्रावण का महीना मुझे अत्यधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि मुझे पार्वती से पुनः विवाह करने का योग बना था। पार्वती के द्वारा जब पार्वती ने तप किया तो मैंने उनको अपनाने का संकल्प लिया था और उनको अपनाने के लिए ही मैंने यह सुंदर उनको आशीर्वाद दिया था कि इस महीने के कारण मैं तुमको अपना रहा हूँ, और इसी महीने पार्वती जी ने तप किया था। इस कारण से भगवान शिव को ये श्रावण का महीना अत्यधिक प्रिय है और जो भी कुमारी कन्याएं इस श्रावण के महीने में भगवान से जो भी चाहती हैं, जो भी कामना करती हैं, पुत्र को चाहने वाली स्त्रियां भगवान शिव का पूजन करती हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है। धन को चाहने वाले धन के लिए भगवान शिव का पूजन करते हैं, धन की प्राप्ति होती है। इसी तरह से भगवान शिव का पूजन श्रावण मास में करना विशेष फलदायी होता है और भगवान शिव को इसी कारण से ये श्रावण का महीना अत्यधिक प्रिय भी है। इसी के मंगल कामना के साथ फिर हम आपसे लेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।